शानदार, बस इसी का ही वेट था। 10 घंटे लगा दिए थे जीप करने में। भाई यार दोनों में दिक्कत आ रही है। ओ भैया देख सकते हैं पूरा मजा आ रहा है। रेडी करो भाई। यस गाइस, तो पिछले व्लॉग में आपने देखा जैसलमेर का पूरा हमने कैंप दिखाया था, और तो इस व्लॉग में अभी हम कर रहे हैं लंच आ चुका है और बिल्कुल सब्जियां देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, जूम करके दिखाऊंगा अभी। तेरे को खाते हुए दिखाऊंगा। हाँ, वो मत दिखाना यार, बहुत गंदे तरीके से। तो चलिए फिर खाते हैं, लंच करते हैं, बिल्कुल भूख लग रही है। चलो खाना देखिए, बिल्कुल 5 स्टार जैसा खाना बोल सकते हैं, और दिखने में ही सब्जी अच्छी लग रही है। और आपने तो देखे भी होंगे हमारे फूड व्लॉग्स के काफ़ी वीडियोस, तो मेरे को खा के बताएगा इस बार भी। भैया आपने बनाया खाना? अच्छा, शेफ ने बनाया, बिल्कुल अच्छा है। पनीर की सब्जी, दाल, बिल्कुल ऐसा है मतलब होटल 5 स्टार होटल जैसा, कैंप भी 5 स्टार होटल जैसा था। खाना भी अच्छा है। ठीक है, फिर अगले पार्ट में आप देखते हैं, सफारी करेंगे, उसका बताते हैं आगे। यस गाइस, बिल्कुल, तो अभी कर रहे हैं हम ऊँट की सफारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए। तो ये अभी हमको लेके जा रहा है सैंड ड्यून्स। अभी हम थे सम विलेज पे, है ये कैंप है ना? हाँ, सम विलेज पे तो दिख नहीं रहा है। तो देखो मुड़ना पड़ेगा ऐसा। ये ऊँट सफारी बिल्कुल जैसलमेर में ही प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में आके ऊँट सफारी तो बिल्कुल बनती है करना। हाँ, तो और ऊँट सफारी एक तरह से बिल्कुल आराम से मजे आते हैं, बिल्कुल चढ़ाई है। हाँ, ये सीधा चलने में इतना उचकता है तो चढ़ाई में तो क्या है। अरे बहुत ऊँट का मैं बता दूं आपको, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज में काफी लिया जाता है। अभी तो हमको ट्रांसपोर्ट करते हुए लेके जा रहा है सैंडी उस पे। अब देख थोड़ा चढ़ाई तब आएंगे मजे। अब है चढ़ाई। मैंने एक हाथ में कैमरा भी पकड़ रखा है और एक हाथ से अपना संतुलन, एक हाथ से। अक्षय को बस मजे लेने आते हैं, पता है नहीं कि कितना मुश्किल रहता है। जयपुर। गाइस बिल्कुल क्रॉस कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है और अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मास्क से अपन दोनों ही लगा रखे क्या? हम हैं मास्क से अपन दोनों लगा रखे, ज्यादा करने लगाएंगे। है वैसे मेरे पास अंदर। यस, तो देखिए हम पूरा सैंडून से इधर पहुंच चुके हैं, इधर काफ़ी अच्छा क्राउड है। ऊँट जीप सफारी, और इधर मैं सोच रहा हूँ कि इधर थोड़ा फोटोग्राफी भी किया जाए, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल धूप में, हाँ धूप भी सेक सकते हैं। अभी थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए, इसी के ही मजे हैं जैसलमेर में, सैंड ड्यून्स में यही देखने लोग आते हैं, रेती रेत, और यहाँ जो एडवेंचर्स होते हैं वो सब। आप जीप सफारी और कैमल देख सकते हैं, तो आप इधर जीप सफारी और कैमल राइड का मजा उठा सकते हैं। सामने आप सनसेट पॉइंट है, सामने सनसेट पॉइंट है,
और इधर पैरासेलिंग भी होती है। पैरासेलिंग में मतलब जीप में एक रस्सी बांध के जो पैराशूट आता है उसमें एक उसको ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे लेके आते हैं। वो भी उस साइड हो रही है, मतलब कमी दिख रही है, वो हमको एक दो करके ही दिख रही है। हाँ, अभी नहीं दिख रही क्योंकि अब थोड़ा ओवर हो चुका है। हाँ, और यही पीक टाइम है जब यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ लोकल टूरिस्ट। हाँ, जबकि कोविड उस वजह से भी यहाँ पर अभी थोड़ा कम भीड़ दिखती है, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं। शानदार, बस इसी का ही वेट था, 10 घंटे लगा दिए थे जीप करने में। गाना भी चला दिया, यहाँ डांस अपने आप हो रहा है यहाँ तो। कैमरे का डर लगता है यार, कुछ नहीं है भाई, कैसे हो रहा है पहली बार कर रहा है मना कर रहा था। अक्षय की दाद देनी पड़ेगी कि उसने कैमरा भी पकड़ रखा है। वो मुश्किल है, मेरे को दोनों हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, जब जाके लग रहा है भैया जो मजे है इसमें यार, क्या मजे। रुपए लाया ना मैं पकड़ लू, कर दे बंद, कर दे जीप का ले ले मजा, कर दे। गुफा बनाया था ना उसके अंदर, हाँ जी एक मिनट आप भी जा, सनसेट भी देख लो। हाँ तो भैया, एक आप क्या फेमस है ना, बजरंग भाईजान फिल्म बन के गई है। हाँ। वो ये जगह है। कौन सी फिल्म? बजरंग भाईजान। हाँ, जो मुन्नी को पार किया था सलमान खान ने, यहाँ से पार किया था। ओ, ये डुप्लीकेट बॉर्डर बनाया था। अच्छा, डुप्लीकेट बॉर्डर बनाया था। ये भैया आ रहे ना इधर, आपकी राइड में बहुत ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप भी जरूर लुत्फ उठाइए, क्यों मैं बिल्कुल, आप भी जरूर लुत्फ उठाइए और बिल्कुल वर्थ फॉर मनी है, बिल्कुल मजा आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी का फोटो भी अंकल लेकर आए कि इनकी गाड़ी जिनके नाम की गाड़ी उसका भी फोटो आ जाए। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल सही रेट में आपको सफारी मिल जाएगी। हाँ। तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद। हाँ वो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरासेलिंग भी हो रही है,
मेरा सेलिंग है और साथ में आप खुद की बाइक रेंट पे ले सकते हैं और चला सकते हैं उसे।